ने शालिन से पूछा कि क्या मैं वीकेंड के वार पे साड़ी पहनूं, तो क्या दिया है शालिन ने जवाब, चलिए आप लोगों को बताती है। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस शालिन और सुम्बुल जो है अभी काफी सारी बातें कर रही हैं। इसकी वजह ये भी है, सुम्बुल तो कभी भी शालिन से नाराज नहीं रहती है, कुछ टाइम के लिए नाराज रहती है, पर वो हमेशा ही जो है उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करती हुई दिखाई देती है। पर शालिन जो है पीछे पीछे पड़े थे टीना के, और टीना भी उनके पीछे पीछे पड़ी हुई थी, दोनों एक दूसरे के साथ ब्लशिंग करते हुए काफी सारी बातें करते थे। पर अब टीना और शालिन में घमासान लड़ाई हो चुकी है, जिसके कारण जो है शालिन अलग अलग लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो सुम्बुल के साथ भी काफी सारी बातें करते हैं। सुम्बुल के लिए वीकेंड के वार में काफी सारे नाइट सूट्स, चप्पलें और साड़ी, लहंगे, काफी सारे ड्रेसेस जो है आई हैं, और जो साड़ी आई है उसे साड़ी को देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है, और उसका ब्लाउज जो है उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सुम्बुल को, क्योंकि वो ब्लाउज जो है वैसा ही चाहती थी कि वैसा ही ब्लाउज जो है उनकी साड़ी का होना चाहिए, और वैसा ही ब्लाउज जो है उनको भेजा गया है, जिस चीज को देख के वो काफी सा खुश थी। और वहीं पर वो शालिन को ये बात भी पूछती है कि शालिन मैं वीकेंड के वार पे क्या मैं कल जो है साड़ी पहनूं, जहां पर शालिन जो है ये बात बोलते हैं कि हाँ अगर तुम कंफर्टेबल हो साड़ी पहनो, साड़ी अच्छी लगती है। और इस चीज को सुनने के बाद सुम्बुल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अभी देखना ये होगा कि आखिरकार सुम्बुल साड़ी पहन के आती है या कुछ और चीज, क्योंकि कंटेस्टेंट डिसाइड तो करते कि वो ये चीज पहनेंगे, पर उसकी फिटिंग आनी चाहिए, वो सेट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी वो चीज पहन सकते हैं। पर एक बात तो है भाई, लड़कियां साड़ी में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपके क्या विचार है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।